डियर स्टूडेंट्स, द एक्स्ट्रा एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय को लेकर आया हूँ। यह जीवन परिचय हमारे बोर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। यह जीवन परिचय श्री रामवृक्ष बैनीपुरी का, किसका है? श्री रामवृक्ष बैनीपुरी का है जीवन परिचय। सबसे पहले इसका जीवन परिचय, उसके बाद इसकी प्रमुख रचनाएं, उसके बाद इसकी साहित्यिक विशेषताएं और लास्ट में भाषा शैली। फिलहाल इसका जीवन परिचय हम पढ़ेंगे। श्री रामवृक्ष बैनीपुरी हिंदी के सुप्रसिद्ध निबंधकार हैं, यानी रामवृक्ष बैनीपुरी है जो, वो हिंदी के सुप्रसिद्ध निबंधकार हैं श्री रामवृक्ष बैनीपुरी, ठीक है। उसके बाद इनका जन्म सन 1899 को बिहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले के छोटे से गांव बैनीपुर में हुआ था। यानी इनका जन्म सन 1899 को बिहार प्रदेश के, कौन सा प्रदेश है? बिहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले है, वहां पर एक छोटा सा गांव है बैनीपुर, वहां पर इनका जन्म हुआ था श्री रामवृक्ष बैनीपुरी का। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था, यानी बचपन में ही इनके जो माता पिता हैं, जो इसके पेरेंट्स हैं, उनका देहांत हो गया, उनका निधन हो गया था, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद इनका पालन पोषण, इनका पालन पोषण इनके ननिहाल में हुआ, यानी इनका जो पालन पोषण था इनके ननिहाल में हुआ था श्री रामवृक्ष बैनीपुरी का। उसके बाद इन्होंने बड़ी कठिनाई से मैट्रिक तक शिक्षा ग्रहण की थी, यानी इन्होंने बड़ी कठिनाई, उनकी परेशानियों से मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की थी, यानी ग्रहण की थी श्री रामवृक्ष बैनीपुरी ने। उसके बाद आगे देखते हैं, जैसे कि श्री रामवृक्ष बैनीपुरी सन 1920 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गया असहयोग आंदोलन में कूद पड़े, यानी जो रामवृक्ष बैनीपुरी सन 1920 में जो महात्मा गांधी द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था असहयोग आंदोलन, उस आंदोलन में ये कूद पड़े थे श्री रामवृक्ष बैनीपुरी जी, ठीक है। उसके बाद है स्वतंत्रता आंदोलन के समय से श्री बैनीपुरी जी 10 बार जेल गए थे, यानी स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी श्री जो बैनीपुरी जी हैं वो 10 बार जेल गए थे। कितनी बार? 10 बार वो जेल गए थे श्री रामवृक्ष बैनीपुरी। उसके बाद है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सन 1957 में आप बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 1957 में आप बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। किसके हुए थे? बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए बैनीपुरी जी। लगभग 15 वर्ष की आयु में पत्र पत्रिकाएं के लिए लिखना शुरू किया, यानी बैनीपुरी जी ने 15 वर्ष की आयु में ही पत्र और पत्रिकाएं के लिए लिखना शुरू किया था। उसके बाद तथा पत्रकारिता को जीवन यापन के साधन के रूप में अपना लिया, यानी जो पत्रकारिता होती, जो पत्र पत्रिका जो काम होते, उन्होंने जीवन यापन के साधन के रूप में इन्होंने अपना लिया था, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद इन्होंने समय समय पर किसान मित्र, तरुण भारत, बालक, युवक, जनता, नई धारा, कर्मवीर आदि अनेक पत्र और पत्रिकाओं का कुशल संपादन किया है, यानी इन्होंने समय समय पर किसान मित्र, ठीक है, तरुण भारत, बालक, युवक, जनता, उसके बाद नई धारा, कर्मवीर आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं का कुशल संपादन किया है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद श्री रामवृक्ष बैनीपुरी का निधन सन 1968 में हुआ था, यानी श्री रामवृक्ष बैनीपुरी का जो निधन हुआ था वह हुआ था सन 1968 में हुआ था इनका निधन, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अगला टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं भी लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जीवन परीक्षा में, जैसे कि मैंने ये लिख रखी इम्पोर्टेंट रचनाएं। श्री रामवृक्ष बैनीपुरी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है, यानी इनकी जो प्रमुख रचनाएं, जो इम्पोर्टेंट रचनाएं इस प्रकार, जैसे कि मैंने लिख रखी। सबसे पहले 1 नंबर पर देखते हैं उपन्यास। क्या है उपन्यास? कैदी की पत्नी और पतितों के देश में। क्या है? दोबारा पढ़ेंगे उपन्यास, कैदी की पत्नी और पतितों के देश में, ये इसके उपन्यास है। दूसरे नंबर पे आता है कहानी संग्रह। क्या है? कहानी संग्रह, उसको हम देखेंगे, जैसे कि चिता के फूल। क्या है कहानी संग्रह के? चिता के फूल, ये इसके कहानी संग्रह है। तीसरे नंबर पर आता जीवनी। क्या है? जीवनी, जैसे कि कार्ल मार्क्स और जय प्रकाश नारायण, ये इसकी जीवनी है। फोर्थ नंबर पर आते वो आती है रेखा चित्र, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मन और विजेता। दोबारा पढ़ेंगे रेखा चित्र को, जैसे कि माटी की मूर्तें और गेहूं और गुलाब,
मन और विजेता, ये इसके रेखा चित्र है। 5 नंबर पर आता, वो आता निबंध तथा संस्मरण। क्या आता है? निबंध तथा संस्मरण 5वें नंबर पर। ठीक है, ये लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट। जंजीर और दीवारें, मुझे याद है, मेरी डायरी, नई यारी, मसाल। दोबारा पढ़ेंगे निबंध तथा संस्मरण को। जंजीर और दीवारें, मुझे याद है, मेरी डायरी, नई यारी, मसाल। ये इसके निबंध तथा संस्मरण है। यहाँ पर इसकी जो प्रमुख रचना है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आती है साहित्यिक विशेषता है। क्या आती है? साहित्यिक विशेषता, ये लिखना भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि श्री रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाओं में प्रमुख रूप से स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। यानी कि श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जो रचनाएं है उनमें प्रमुख रूप से स्वाधीनता की चेतना, स्वाधीनता का अर्थ होता है स्वतंत्रता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। वे निष्ठावान, निष्ठावान करता था निष्ठा रखने वाला, वे निष्ठावान भारतीय संस्कृति के पुजारी भी हैं। यानी कि वे निष्ठावान भारतीय संस्कृति के पुजारी भी है। कौन? श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी। उसके बाद इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हैं। यानी कि इनकी रचनाओं में जो भारतीय संस्कृति उसके दर्शन होते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी का साहित्य उच्च कोटि का साहित्य है। यानी यह भी कहा जा सकता है कि श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जो साहित्य उच्च कोटि का साहित्य, जिससे मानवता के विकास की प्रेरणा मिलती है। यानी इससे मानवता के विकास में डेवलपमेंट की प्रेरणा मिलती है इन रचनाओं से। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है भाषा शैली का। किसका है? भाषा शैली का। यह भी लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बोर्ड्स एग्जाम में। श्री रामवृक्ष बेनीपुरी के साहित्य की भाषा सरल, सहज, रोचक एवं ओज सभी है। यानी श्री रामवृक्ष बेनीपुरी की जो साहित्य की जो भाषा वो एक तो सरल है, ठीक है, उसके बाद सहज है, रोचक है एवं ओजस्वी। ओजस्वी होता शक्तिशाली। क्या? शक्तिशाली है। उसके बाद है, इन्होंने अपनी रचनाओं में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव देशज उर्दू फारसी वे अंग्रेजी के शब्दों का अत्यंत सटीक एवं सार्थक प्रयोग किया है। यानी इन्होंने अपनी रचनाओं में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव शब्द, उसके बाद है देश शब्द, उर्दू और फारसी के शब्द वे अंग्रेजी के शब्दों का अत्यंत सटीक एवं सार्थक, यानी सार्थक को सफलता से प्रयोग किया है। ठीक है, यहाँ तक इसका जो जीवन परिचय पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी बात की आपकी क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर यहाँ तक थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक, चैनल को दो सब्सक्राइब, बगल में जो घंटी है उसको भी प्रेस कर दो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको अन्य वीडियो के जीवन परिचय की वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय मैंने उसकी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है।